हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल वर्टूर गाइड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के बहुत ही ब्यूटीफुल बीचेस के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में बहुत से लोग ट्रैवलिंग का प्लान बनाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग गर्मी से राहत पाने के लिए या तो किसी पहाड़ी एरिया में जाना पसंद करते हैं या फिर समुद्र तट से लगे शहरों में अपना समय बिताना पसंद करते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, बहुत से लोग खूबसूरत बीच पर एंजॉय करने के लिए देश से बाहर तक जाने का प्लान बना लेते हैं, लेकिन छुट्टियां मनाने के लिए देश से बाहर जाना हर कोई एफोर्ड नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया में ही मौजूद ऐसे 7 बहुत ही खूबसूरत बीचेस के बारे में बताऊंगी, जहां का आप ट्रैवल प्लान आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस बीच पर जाकर आपको अपनी छुट्टियों को बेहतर तरीके से एंजॉय करने का मौका मिलेगा। तो आइए जानते हैं वे कौन कौन से बीचेस है। दोस्तों, फर्स्ट आता है अगोड़ा बीच। दोस्तों, अगर आप शांत माहौल के बीच घूमना चाहते हैं तो आपके लिए गोवा का जो अगोड़ा बीच है बहुत ही बेस्ट है। दोस्तों, यहाँ का पानी नीला है दोस्तों, और इस बीच का जो माहौल है बेहद शांत रहता है। यहाँ अगोड़ा नाम का एक चर्च भी है। वैसे इस बीच को सनबाथ के लिए ही जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लोग सनबाथ का आनंद लेने के लिए ही आना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है पोलेलेम बीच। दोस्तों, अगर आप पार्टी मस्ती के लिए बीच पर जाना चाहते हैं तो आपके लिए गोवा का जो पोलेलेम बीच है बहुत ही बेस्ट रहेगा। दोस्तों, इस बीच पर आप भीड़ रहती है और लोग पार्टी, सेमिनार, मसाज, योगा जैसी चीजों का आनंद लेने के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, नारियल के पेड़ों से घिरे इस बीच पर पानी नीले क्रिस्टल जैसा साफ नजर आता है। दोस्तों, तो एक बार आप यहाँ जरूर जाइए, आपको काफी मजा आएगा। नेक्स्ट आता है राधानगर बीच। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए आप राधानगर बीच की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, ये बीच काफी फेमस है और अंडमान निकोबार आइलैंड समूह के हैवलॉक द्वीप में स्थित है। दोस्तों, ये एशिया के सबसे लंबे और शानदार आइलैंड में से एक है। इसी वजह से इस द्वीप को टाइम मैगजीन के द्वारा इंडिया के बेस्ट बीचेस में से एक माना गया है। ये बीच हनीमून कपल्स के लिए काफी बेस्ट प्लेस है। दोस्तों, यहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं, तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करिए। नेक्स्ट है मालपे बीच। मालपे बीच इंडिया के खूबसूरत तटों में शामिल है। दोस्तों, ये बीच कर्नाटक में स्थित और द्वीप विशाल बेसाल्ट चट्टानों के लिए जाना जाता है। ये बीच एक छोटे से द्वीप सेंट मैरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस द्वीप को कोकोनट ऑयल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके चारों ओर नारियल के ही पेड़ है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है पुरी बीच। पुरी बीच आस्था के बीच पर तौर पर माना जाता है दोस्तों, और इसको गोल्डन बीच भी कहा जाता है। ये बीच बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगे पूर्वी भारत के खूबसूरत तटों में से एक है। इस बीच पर फेमस सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक अक्सर रेत के जरिए खूबसूरत मूर्तियां बनाते रहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है कोवलम बीच। कोवलम बीच भी भारत के खूबसूरत बीचेस में से एक है और ये केरल में अरब सागर के बीच में स्थित है। दोस्तों, समुद्र के किनारे लगे ताड़ के पेड़, ऊंचे चट्टाने और नीला पानी नजारों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस बीच पर 3 छोटे छोटे अर्ध चंद्राकार बीच है, जिनको साउथ लाइट हाउस के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, तो एक बार यहाँ भी जरूर विजिट करिए। नेक्स्ट और लास्ट है ओम बीच। कोकण शहर में स्थित ओम बीच कर्नाटक का फेमस बीच है दोस्तों, जो वास्तव में ओम के आकार जैसा दिखाई देता है, जो इसे काफी दिलचस्प बनाता है। दोस्तों, ये बीच अपने आकार को लेकर काफी फेमस है, क्योंकि यहाँ 2 अर्ध चंद्राकार टुकड़ों को मिलते हुए दिखाई देता है, जिससे इसका आकार ओम के जैसा दिखता है। दोस्तों, बहुत ही बेहद खूबसूरत और शांत ये बीच वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स करना पसंद है, जैसे स्पीड बोट, सर्फिंग जैसी एक्टिविटीज करना पसंद है, तो एक बार अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ जरूर विजिट करिए, आपको काफी मजा आएगा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा भारत में कितने ब्यूटीफुल बीचेस है दोस्तों, जहाँ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ गर्मियों में छुट्टियां मनाने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, और साथ ही वाटर स्पोर्ट्स का मजा भी ले सकते हैं, तो एक बार अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ जरूर विजिट करिए, आपको काफी मजा आएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।